जानते हैं ये काजल का घर और आज काजल की कहानी में क्या होता है, चलिए जानते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए जानते हैं आज काजल की कहानी में क्या होता है, लेट्स गो फ्रेंड्स। अरे शोना कितना हिल रही हो, तुम्हारी बाल बनाने में मुझे बड़ी दिक्कत हो रही है, हिलो मत बेटा। चलो जी तुम्हारे बाल बन गए, जाओ खेलो जाके। यार काजल शोना के बाल बना देती है, शोना खेलने लगती है। इतने में गीता भी वहाँ आ जाती है जिसके हाथ में एक डरावनी किताब होती है, वो सीधा काजल के पास आती है। अरे गीता बहन, ये हाथों में कौन सी किताब लिए हुई हो? अरे यही किताब तो दिखाने के लिए तुम्हें आई हूँ काजल। पता है चिंकी पिंकी के पापा ने कल मुझे ये किताब ला करके दी थी। जब मुझे ला करके दी थी तो मैंने कहा था इसमें क्या है, मैं तो पढ़ लूंगी, मगर चिंकी पिंकी के पापा ने कहा पढ़ के दिखाओ ना, डर गई तो फिर कहना। सच में काजल, पहले तो मैं कह रही थी कि मैं बिल्कुल नहीं डरूंगी, लेकिन पढ़ने के बाद मत पूछो मैं कितना डर गई काजल। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें ये किताब दिखाऊं, तुम्हें डर लगता है कि नहीं। क्या बात कर रही है गीता बहन, किताब की कहानी पढ़ने से भला कौन डरता है। ऐसे तो मैं कितनी कहानियाँ पढ़ लूँ, रख दीजिए मैं जरूर पढ़ूंगी और आपको बताऊंगी कि कहानी पढ़ने से कोई डर वर नहीं लगता है। हंस लो काजल, दिल खोल के हंस लो, मैं भी कल आके तुमसे पूछूंगी जब तुम कहानी पढ़ लोगी। मैं भी पहले यही सोच रही थी, लेकिन पढ़ने के बाद मेरी भी हालत खराब हो गई। खैर कहानी पढ़ लेना, फिर मुझसे बात करना तुम काजल। अच्छा गीता बहन, ठीक है पढ़ लूंगी मैं भी तो देखूं किस कहानी ने आपको डरा दिया। लाइए दीजिए किताब। हाँ, लो बिल्कुल पढ़ो। अब पढ़ने के बाद ही मुझसे बात करना, फिर मैं चलती हूँ, पढ़ना जरूर काजल याद से। हाँ, पढ़ के आपसे कल बात जरूर करूंगी। गीता बहन भी ना किताबी कहानियों को कितना डरा डरा के बता रही है। पढ़ूंगी भाई, पहले घर के काम तो खत्म कर लूं, काम धाम खत्म करके इतना से रात में पढ़ूंगी बैठ करके, फिर देखती हूँ। यार काजल जल्दी जल्दी घर के काम खत्म करके जाती है किताब पढ़ने के लिए, सब घर में सोने चले जाते हैं और यहाँ काजल सोचती है चलो अब गीता बहन की दी हुई किताब को पढ़ा जाए। यहाँ सभी लोग जो भी घर में थे, सिद्धार्थ, शोना और श्याम, सभी सो रहे होते हैं और यहाँ काजल किताब पढ़ना शुरू करती है। अरे बाप रे बाप, कहानी तो सच में बड़ी डरावनी है, लेकिन फिर भी कहानी है, कहानी को मैं इतना सर पे क्यों सवार करूं, कहानी तो कहानी होती है। अरे बाप रे, सच कह रही थी गीता बहन, कहानी तो सच में बड़ी डरावनी लग रही है मुझे तो। और पढ़ती हूँ, देखती हूँ और आगे क्या क्या कहानी सब है। अरे काजल, इतनी रात में क्या बड़बड़ा रही हो, क्या लेके बैठी हो, क्या पढ़ रही हो जी? अरे शोना के पापा गीता बहन ने किताब ला के दी थी, मुझसे कहा था कि इसे पढ़ के तुम बहुत डरोगी, वो भी बहुत डरी थी। मैंने भी कहा क्यों ना मैं पढ़ के देख लूं, वही पढ़ रही हूँ, कुछ नहीं होता, आप सोइए आराम से। अरे काजल क्यों ऐसे ऑल फॉल चीजें पढ़ती हूँ रात में, डरावनी, दिमाग खराब, खुद का भी होगा दूसरों का भी करोगी। अरे नहीं ना शोना के पापा, आप सोइए ना, मुझे पढ़ने दीजिए किताब, मैं पढ़ के गीता बहन को बोलूंगी, मुझे बिल्कुल भी डर नहीं लगा। लेकिन कहानी सच में डरावनी है, इसमें डर तो नहीं लग रहा, लेकिन कहानी जो दिल में आए करो, जब डरना तो मुझे मत कहना। आप बेफिक्र है शोना के पापा, सो जाइए, मुझे डर वर नहीं लगता, बस मैं तो पढ़ रही हूँ। यहाँ काजल फिर से किताब पढ़ने लगती है, काफी देर किताब पढ़ने के बाद। अरे बाप रे, ओ मुझे तो नींद आ रही है, जा करके सो जाती हूँ, बाकी की कहानियाँ कल पढ़ूंगी। लेकिन जितनी कहानियाँ भी पढ़ी है सच में बड़ी डरावनी थी, अब ये किताब यहीं पे रख देती हूँ, जाती हूँ सोने के लिए, बड़ी नींद आ रही है मुझे तो। यहाँ काजल किताब पढ़ करके सोने के लिए चली जाती है, वो जाग करके सीधा अपने बिस्तर पे लेट जाती है और काजल को नींद आ जाती है। नींद आते ही काजल को सपना आने लगता है। Thank you.
की खुशबू आ रही है, मैं चुड़ैल हूँ। हा 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 हा, कहाँ है बच्ची, उसे ले जाऊंगी, खा जाऊंगी, मुझे किसी बच्चे की खुशबू आ रही है। लाओ दो बच्चा क्या है। अरे अरे अरे, ये कैसी आवाज है? अरे बाप रे बाप, ये कितनी डरावनी आवाज है। अरे बाप रे बाप, ये चुड़ैल कहाँ से आ गई, इतनी बड़ी चुड़ैल। ऐसा शोर शराबा हो रहा है, और ये तो काजल और शोना की आवाज है। और ये काजल क्यों चिल्ला रही है? अरे क्या हो गया, क्या हो गया? अरे क्या हो गया शोना? अरे काजल, 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 क्या हो गया तुम्हें? अरे क्यों चिल्लाई जा रही हो, क्यों बड़बड़ाई जा रही हो? अरे काजल, काजल, अरे क्या बड़बड़ा रही हो? अरे शोना कहीं नहीं गई, यहीं पे है। अरे काजल, अरे उठो तो, उठो तो, क्या बड़बड़ा रही हो? अरे काजल, क्या हो गया? अरे उठो तो, उठो तो। अरे इसे क्या हो गया है? अरे लगता है ये ऑल फॉल किताब पढ़ने का नतीजा। अरे उठ भी जाओ काजल, अरे क्यों भी तुम्हें बड़बड़ा रही हो? अरे उठो भी, क्या हो गया है काजल, क्या हो गया है? अरे अरे, कहाँ गई चुड़ैल, कहाँ गई चुड़ैल? अरे शोना मेरी बच्ची यहीं पे है, कहीं ले गई चुड़ैल, ले गई। अरे हाँ चुड़ैल, अरे मम्मी कोई चुड़ैल नहीं, कोई चुड़ैल नहीं मम्मी, मम्मी मम्मी कोई चुड़ैल नहीं है मम्मी, आप सपना देख रही थी क्या? इतना डरावना सपना, लगता है ये उसी किताब पढ़ने की वजह से आया है। अरे बाप रे बाप, उस किताब की वजह से इतना भयंकर सपना। और पढ़ो ऑल फॉल चीजें, बोल रहा था मत पढ़ो मत पढ़ो, लेकिन तुम्हें तो पढ़ना है। रात में आधी रात को चिल्लाना है और दूसरों की नींद खराब करना है, तो जाके और पढ़ो जा करके, हद है काजल, हद है। अरे बाप रे बाप, सच में गीता बहन ने सही कहा था, ये कहानी पढ़ने से तो सच में बड़ा डर लगता है। शोना माफ करना, मम्मी की वजह से तुम्हारी नींद खराब हो गई, चलो जाओ बेटा सो जाओ। अरे बाप रे बाप, अरे मम्मी आप भी ना कैसे चिल्ला रही थी, जैसे सचमुच का चुड़ैल आपके सामने खली हुई हो। मम्मी आप भी ना, कितना डरा दिया मुझे, तो पता नहीं आपको क्या हो गया। चलिए मैं सो जाती हूँ, मेरी नींद खुल गई थी। शोना सो जाओ सो जाओ, मैं भी आराम कर लेती हूँ, सच में मैंने सबकी नींद खराब कर दी। ओहो कितनी डरावनी कहानी थी, जिसकी वजह से मुझे इतना डरावना सपना आ गया। ओहो मैंने तो सबकी नींद खराब कर दी। अगली सुबह गीता काजल के घर आती है, और आते ही काजल से किताब के बारे में पूछती है। अरे गीता बहन मुझे माफ करे, आइंदा से ऐसी कोई किताब मैं पढ़ूं, आप सच कह रही थी। अरे उस किताब को पढ़ने के बाद तो मुझे रात में इतना डरावना सपना आया कि मैंने तो चिल्ला चिल्ला के पूरे घर को ही उठा लिया। अरे आप तो सच कह रही थी, अपनी किताब ले जाइए, आइंदा से ऐसी कोई किताब मुझे ला के मत दीजिएगा। मैं तो खामखा ही कह रही थी कि मुझे डर नहीं लगता, मुझे तो सच में बड़ा डर लगा कि मेरे सपने में भी ये चुड़ैल आ गई। ये किताब आप ले ही जाइए,
बाप रे बाप, मेरी बला से अब जो दोबारा कभी ऐसी किताब मैं पढूं। देखा, मैंने कहा था ना, इस किताब को पढ़ने के बाद सच में डरावने ख्वाब आते हैं, मुझे भी आए थे। हाँ 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 किताब बहन, सच में बड़े डरावने, ये किताब अपनी रखिए, आइंदा से ऐसी कोई किताब मुझे कभी भी मत ला के दीजिएगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी भी मत दीजिएगा।